अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद जायका में आपका स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं अरहर की दाल। कुछ लोग इसे तुअर दाल बोलते हैं, कुछ लोग इसे पीली दाल बोलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक कप दाल, लाल मिर्च लहसुन का पेस्ट, एक टमाटर मीडियम साइज कटा हुआ, 7 क्लोव लहसुन चॉप किया हुआ, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया। दाल को 3 पानी से अच्छी तरह धो लें। तीन कप पानी डाल दें। तीन कप पानी डालकर गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसमें लाल मिर्च लहसुन का पेस्ट डालें जो हमने तैयार किया है। हल्दी चॉप किया हुआ, टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, कुकर को बंद कर दें। गैस को 3 सीटी आने तक हाई फ्लेम में कर दें। गैस बंद करके दाल को चेक करें।90% दाल पक चुकी है। मुझे यहाँ पर दाल गाढ़ी लगी तो इस पे 1 कप पानी और ऐड करेंगे, जितनी मुझे दाल पतली चाहिए। फिर कुकर को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चढ़ा देंगे। अब गैस को करेंगे बंद। दाल हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। दाल को दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। अब हमें दाल का तड़का तैयार करना है। उसके लिए हमें लगेगा ऑयल।
कटा हुआ लहसुन, एक चम्मच जीरा, हींग जो के ऑप्शनल है, हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अब हमारी दाल पूरी तरह से तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।